गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के अध्याय दो बहुपद में घनों पर संक्रियाएं यानी घनों के योग और उसके अंतर के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे एक घन यक्स क्यूब और दूसरा घन वाई क्यूब, वाई का घन या यक्स का घन, अब इन दोनों का योग योग ज्ञात करना है। इसके लिए जो फार्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है कि पहला पद प्लस दूसरा पद, पहले और दूसरे पद को आपस में जोड़ देते हैं, उसके बाद पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, अभी देखो अगर दो घनों का अंतर निकालना हो यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में जो है यक्स माइनस वाई रखेंगे यानी पहला पद माने दूसरा पद रखेंगे, उसके बाद यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यक्स इंटू वाई, ये दो फार्मूला जो है इस एक्सरसाइज में हम लोग को जो है यूज़ करना है, यानी इसको हमको सॉल्व कर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करना है। आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो यह है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए 7a माइनस 5b एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। अब इसका दोनों का हमको गुणनफल ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा है क्या 7a माइनस 5b। ठीक, अब देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर। ठीक, 7a का होल स्क्वायर करोगे 7 7 49 a स्क्वायर मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर साइड में प्लस 5b होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर मिल गया 5 5 25 b स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ में देखिए यहाँ पे प्लस फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, फर्स्ट नंबर कितना है 7a इंटू सेकेंड नंबर कितना है 5b। देखिए ध्यान दीजिए 7 5 जो 35 a इंटू बी ए बी। ठीक, अच्छा एक बात हम जानते हैं, क्या चीज़, चूंकि हम ये जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, यही ना कि यक्स माइनस वाई अगर हो एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दो घनों का अंतर जो फार्मूला भी मैं बताया, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। अगर ऐसा है तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यक्स की जगह पे यहाँ पे 7a है, वाई की जगह पे 5b है, यक्स स्क्वायर की जगह पे 7a का स्क्वायर है, यक्स इंटू वाई की जगह पे 7a इंटू 5b है और वाई स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर है। तो जब ऐसा होता तो हम ऐसा लिख सकते थे, जब इस तरह से है तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं 7a माइनस 5b एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 7a स्क्वायर प्लस 7a इंटू 5b प्लस 5b स्क्वायर। इसको हम लोग 60 में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7a का होल क्यूब यानी फर्स्ट नंबर का क्यूब करना है माइनस दूसरे नंबर का भी क्यूब करना है, दूसरे नंबर का क्यूब कितना हो जाएगा 5b का होल क्यूब। ध्यान दीजिए 7 का जब क्यूब करोगे तो हो जाएगा 7 × 7 × 7 तीन बार, 7 × 7 × 7 7 × 49 × 49 × 7 7 9 63 तीन अलग है 6 7 28 6 34 343 कितना आ गया 343 a स्क्वायर माइनस 5 का क्यूब 5 × 25 = 125 b क्यूब। ये क्या होगा, ये आपका रिजल्ट होगा। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करा कि
एम प्लस थ्री एन इंटू एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस थ्री एन स्क्वायर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। करें इसको क्या लिख सकते हैं, एम प्लस थ्री एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एम स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए प्लस थ्री एन होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एन पूरे का पावर टू कर दें। थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन, एन का स्क्वायर करोगे एन स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी थ्री एम एन, ठीक। देखिए एक चीज़ हम जानते हैं, चूँकि क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या चीज़ कि अगर ऐसा कुछ हो कि x प्लस वाई हो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक निगेटिव वाला बताया था, एक पॉजिटिव वाला आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m प्लस थ्री एन एक ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में क्या है, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम एन प्लस थ्री एन स्क्वायर। इसको हम लोग साठ में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है साठ में लिख सकते हैं क्या चीज़ कि पहले नंबर का क्यूब यानी एम का क्यूब, फिर प्लस दूसरे नंबर का क्यूब यानी थ्री एन का क्यूब। यानी पहले नंबर का जब क्यूब करोगे तो एम का क्यूब आएगा, प्लस इसका जब क्यूब करोगे थ्री एन का क्यूब, तो थ्री थ्री जो नाइन, थ्री जो ट्वेंटी सेवन आ गया, सत्ताईस आ गया, एन क्यूब आ गया। यानी यह जो है इन दोनों का अगर आपस में गुणा किया जाएगा तो जो गुणनफल आएगा एम क्यूब प्लस सत्ताईस एन क्यूब आएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यदि एक्स माइनस वाई बराबर छः और एक्स इंटू वाई बराबर बीस है, तब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए इस जैसा क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है एक्स माइनस वाई बराबर छः दिया है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं क्या, ये जानते हैं कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अगर है ये किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है एक ब्रैकेट में x माइनस वाई आता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलता है x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फार्मूला है, इस तरह से इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बता रखा है। आइए देखते हैं अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब माइनस वाई क्यूब को, x माइनस वाई की जगह हम क्या रखेंगे, छः रख दिए, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर प्लस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और ये कि इसको हम जो है ऐसे, तो देखिए हमको जो x इंटू वाई की वैल्यू मालूम है ठीक है, लेकिन x स्क्वायर और इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। अगर इसको कैसे भी करके हम ये जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लें या फिर x माइनस वाई के होल स्क्वायर में कर लें, लेकिन x जो है किसमें x माइनस वाई के होल स्क्वायर के रूप में अगर हम इसको किसी तरह से चेंज कर पाएँ तो हम आसानी से उसकी वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए क्या करें इसके लिए, इसके लिए इसमें हम 2xy जोड़ दें, 2xy ऐड कर दें और फिर उसी में से 2xy क्या कर दें, घटा दें, यानी क्या करें 2xy जोड़ने और घटाने पर, ठीक। 2xy क्या कर दें, इसमें जोड़ दिए ऐड कर दिए और इसमें से क्या किए, इतना से सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं सिक्स इंटू, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इसको मैं इधर कर लिया, टू एक्स वाई यहाँ कर लिया, फिर देखिए बचा क्या, प्लस
टू एक्स वाई यहाँ से प्लस यहाँ पे वन एक्स वाई, कितना हो गया थ्री एक्स वाई बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, और लास्ट में थ्री एक्स इंटू वाई अभी यहाँ पे बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ से सिक्स पहले से है और एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस यहाँ पे देखिए थ्री इंटू एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बीस, तो हम बीस रख देंगे। ये कितना हो जाएगा सिक्स इंटू छः का स्क्वायर करेंगे तो छः छः कितना आ गया छत्तीस आ गया, प्लस बीस गुणा तीन करें बीस आई साठ आ गया। अब देखिए इसका दोनों का गुणा करेंगे छः छः छत्तीस की छः आंस लगे तीन छत्तीस अठारह तीन एक यानी दो सौ सोलह आ गया, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे साठ ऐड कर देंगे यानी कितना हो जाएगा साठ दस सत्तर छः छिहत्तर यानी कि दो सौ कितना आ गया दो सौ छिहत्तर आ गया। यानी अगर यक्स माइनस वाई की वैल्यू छः हो और यक्स इंटू वाई की वैल्यू बीस हो तब यक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो आएगा दो सौ छिहत्तर। आइए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। देखिए करा यदि a प्लस बी बराबर दस व a इंटू बी बराबर इक्कीस, अगर ऐसा कुछ है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखिए यहाँ पर सोल्यूशन में आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा देखिए चीज़ दिया है a प्लस बी बराबर दस दिया है व ए इंटू बी बराबर कितना दिया है इक्कीस दिया है। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक इसके बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी के बराबर होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब देखिए किसके बराबर हो जाएगा, ए हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है दस है क्योंकि ए प्लस बी बराबर दस दिया है तो दस रख दो। आगे देखिए अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आपके पास है, लेकिन अगर हमको इसको किसी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है क्योंकि a इंटू बी तो हमको पता है इक्कीस, लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए हमको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का बनाना है, यानी कि हमको यहाँ पर ऐसा क्या बना दें जिससे हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी मिल जाए। इसके लिए देखिए अगर हम इसमें इतने में क्या कर दें टू ए बी प्लस कर दें, ठीक प्लस किए तो बढ़ गया, फिर प्लस किए तो उतना इसमें से क्या कर दें टू ए बी माइनस भी कर दें, जितना जोड़े उतना उसमें से घटा दिए तो इस एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा टेन इंटू इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर देखिए माइनस में क्या बचा माइनस टू ए बी प्लस वन ए बी यानी कितना हो गया माइनस थ्री ए बी, माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी और माइनस ए बी को जो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री ए बी हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम वैल्यू रख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, टेन तो पहले से है, देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है यानी ए प्लस बी कितना है टेन, टेन का स्क्वायर कर दो माइनस थ्री मल्टीप्लाई ए इंटू बी कितना है ए इंटू बी इक्कीस है तो इक्कीस रख दो। ठीक, ये कितना हो जाएगा ए बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर हो जाएगा कितना टेन, फिर यहाँ पे देखिए दस का स्क्वायर करोगे सौ आएगा माइनस इक्कीस तिहाई तिरसठ आ गया, यानी अब कितना आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर कितना हो जाएगा दस गुड़े इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना सैंतीस, ये कितना हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 370। यानी जब a प्लस बी बराबर 10 हो और a इंटू बी बराबर जो है 21 हो तब a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान आएगा
वो आएगा कितना, 370 के बराबर। ठीक है बेटा, इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक जो है हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।